देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया तो जाहिर सी बात है कि आपको ये थंबनेल अच्छी लगी, आप इस टाइप के एडिट सीखना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में आपको इसी टाइप का एडिट सिखाने वाला हूँ। बस आप 2 मिनट टाइम देकर वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो ताकि आप सब इजीली एंड काफ़ी कम टाइम में इस टाइप की अमेजिंग एंड कूल एडिटिंग सीख पाओ और इस टाइप पर लाखों लाइक बटोर पाओ। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे मित्रों, आप अपने फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेना और उसके बाद आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन करना एंड वहाँ पे आप सब ऑल फोटोज पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि वो किसी भी टूल में चले जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल जो है लाइट वाले ऑप्शन में चले आना, ठीक है। तो हम लाइट वाले ऑप्शन में आते हैं। अब देखो यहाँ पे लोग दूसरी गलती क्या करते हैं कि लाइट वाले ऑप्शन में तो चले आते हैं बट यहाँ पे वो किसी भी चीज़ को छेड़ने लगते हैं, बट ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना। इस वाली एडिटिंग, ऐसी एडिटिंग करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ को छेड़ना, वो एक कॉन्ट्रास्ट है, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का अमाउंट को यहाँ पे बढ़ाना, उस अराउंड इसके अमाउंट को 50 रखना एंड साथ में इसके हाईलाइट्स को भी आप सब माइनस की तरफ रखना, ठीक है, -40 एंड उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन से निकल जाना। आपको लाइट वाले ऑप्शन सिर्फ इतना ही करना एंड उसके बाद फिर आपको चले आना कलर वाले ऑप्शन में, ओके। और लोग को यहाँ पे आप समझ नहीं आता कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल वाइब्रेंस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना एंड इसके बाद हमारा चालू होता है अब यहाँ पे मेन स्टेप। तो मेन स्टेप के लिए हम सब चले आएंगे मिक्स में, ओके। मिक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी कलर देखने को मिलते हैं तो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेने का, आपको यहाँ पे रेड कलर पे चले आना एंड इसका लुमिनेंस को आपको सिंपल यहाँ पे इंक्रीज कर देना, ओके। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे येलो कलर को छोड़ देना, आपको चले आना ग्रीन कलर पे एंड इसका ह्यू को आप सभी को -100 कर देना एंड सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना, कुछ सैचुरेशन को भी फुली कर देना। देन आपको यहाँ पे ये कर लोगे आप तो उसके बाद फिर आपको ये सियान कलर दिख रहा है तो आप लोग को सियान कलर पे चले आना, ठीक है। और इसका सैचुरेशन को आप सब माइनस की तरफ कर देना, -95 एंड इसके बाद आप सब ब्लू कलर पर आना, इसका ह्यू आप सब माइनस की तरफ रखना और सैचुरेशन में साथ में इसके इंक्रीज कर देना। इतना आप सभी को मिक्स के अंदर करना, काफ़ी इजी आप सब इजली कर पाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है इसका। और इसके बाद आप सब सिंपल डन पे क्लिक करके मिक्स से निकल जाना और इसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पे क्या करना वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। इसके बाद आप सभी को इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले आना एंड यहाँ पे आप सभी को किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं छेड़ना, नहीं तो आपका फोटो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या, टेक्सचर को अमाउंट को 8 रखना आप सभी को एंड साथ में इसके जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी का अमाउंट को कुछ 22 रखना और उसके बाद फिर आप सभी को विगनेट को भी माइनस की तरफ रखना, ओके। एंड अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है सेकंड मेन स्टेप। तो सेकंड मेन स्टेप जो हमारा है वो है प्रोफाइल के अंदर, तो हम सब सिंपल इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड हम सबको यहाँ पे काफ़ी फिल्टर प्रोफाइल देखने को मिलता है बट हमें जो यहाँ पे यूज़ करना वो है Artist 04, तो हम सब सिंपल Artist 04 पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम सब क्या करेंगे, इसके अमाउंट को 200 कर देंगे, ओके। एंड उसके बाद फिर सिंपल हम सब यहाँ पे डन कर देंगे, ओके। तो हमें जिस तरीके का बैकग्राउंड कलर बनाना था वो हमने बना लिया, आप सब देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो उसके बाद फिर हम सब सिंपल क्या करेंगे, अपने इस फोटो को यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और अपने इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। तो जैसे हमारे ये फोटो यहाँ पे सेव हो जाए, इसके बाद हम सबको सिंपल लाइटरूम ऐप से निकल जाना है और उसके बाद फिर अपने फ़ोन के अंदर हम सबको स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग को यहाँ पे किस फोटो को ऐड कर लेना, तो उसी फोटो को ऐड करना जिस फोटो को अभी हमने जस्ट लाइटरूम से सेव किया था, आप देख पा रहे हो मैंने उसी फोटो को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो अपने इस फोटो को लाने के बाद हम सबको इस पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना और नीचे की साइड आना, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना और ऐड फोटो पे क्लिक करना आप सभी को एंड ऐड फोटो पे क्लिक करके हम सभी को अपने ओरिजिनल पिक को ऐड कर लेना, जो अभी हमने एडिट किया इसका ओरिजिनल पिक को हम सबको यहाँ पे ऐड कर लेना और उसके ओपेसिटी को आप सभी को यहाँ पे 100 कर देना, ठीक है, फुल कर देना एंड उसके बाद सिंपल इधर डन कर देना आप सब। उसके बाद आप सब इस एरो वर्क के निशान पे क्लिक करना, व्यू एडिट्स पे क्लिक करना आप सब, डबल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना, पेंटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना और आप सबको यहाँ पे जो 100 दिख रहा है आप सभी को इसे आप सब 50 कर देना और सिंपल आप सब फेस को ऊपर स्टेप से ऐसा पेंट करना, ओके। एंड पेंट कर लेने के बाद मैं आप सबको इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, क्या इसका फ़र्क है आप सब देख दिखाता हूँ, एक सेकंड जूम करता हूँ एंड बिफोर एंड आफ्टर आप सब देख लो, तो ये फ़र्क है एंड उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप लोग डन कर देना एंड यहाँ से आप सब बैक जाना। जब आप चले आए हो स्नैपचैट के अंदर तो आप सब इसे स्मूथ भी कर लो, तो पेंसिल वाले आइकन में चले आना एंड पोर्ट्रेट मोड में चले आना आप सभी को और इसका आप लोग स्मूथ टू सिलेक्ट करना और इसका आप सब आई क्लैरिटी वगैरह को इंक्रीज कर लो ताकि आपका फेस स्मूथ हो जाए एंड आपका फोटो देखने में और भी कमाल की लगे। एंड फेस स्पॉट लाइट आप लोग देख लेना कुछ 29 एंड स्किन स्मूथिंग आप सब 86 अराउंड ऐसा रखना एंड उसके बाद आप सब बिफोर एंड आफ्टर देख पा रहे हो, तो इतना कर लेना एंड उसके बाद सिंपल आप सबको डन कर देना, तो आपका यहाँ पे फोटो जो है वो काफ़ी कमाल की बन चुकी है।
तो आप सब यहाँ पे नीचे डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आप सब डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना एंड अपने इस फोटो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। आपका यहाँ पे फोटो जो है वो सेफ हो जाएगा एंड बिल्कुल भी क्वालिटी वगैरह वेस्ट नहीं। सो होपफुली कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर से करना। वीडियो कैसी लगी आप सब नीचे कमेंट करके जरूर से बताना एंड ये आवाज़ आप सब पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे भी सुन पाओ। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।